हेलो फ्रेंड्स, हाय, आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है एयर डिस्ट्रीब्यूशन। एयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, ये जो एयर का मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सालों से जो एयर की सप्लाई है या रीसर्कुलेट कैसे करते हैं क्लीन रूम में। जो टू कॉमन डिज़ाइन को हम इसमें लेते हैं कि सिंगल पास सिस्टम एक यूज़ करते हैं और वंस थ्रू सिस्टम होता है, एक रीसर्कुलेटिंग सिस्टम होता है। तो ये चॉइस डिपेंड होता है कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या है उसके अंदर, किस टाइप के प्रोडक्ट हैंडल करने हैं, किस टाइप का ऑपरेशन है, किस चीज़ का इक्विपमेंट है, डिज़ाइन कैसी है, टॉक्सिसिटी कैसी ऑफ द प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। तो पहला जो है एयर थ्रू सिस्टम को हमें किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो फिल्ट्रेटेड एयर जो इंटर हो रहा है रूम के अंदर, इट इज़ नॉट रीसर्कुलेट, इसके अंदर रीसर्कुलेट ऑल एयर इज एग्जॉस्ट आउटसाइड। अब हमें क्या करना है कि वंस थ्रू सिस्टम में क्या करना है, द सिस्टम इज़ यूज फॉर द क्लीन द प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन 100% मेकअप एयर व्हेन द एम्बियंट टेम्परेचर इज़ फेवरेबल, एज द एग्जाम्पल व्हेन द पोटेंशियल रिलीजिंग डक्ट्स एरोसोलाइज मटेरियल इज वंस थ्रू। इसको तो जो भी लिखा है, अभी क्या है कि क्लीन रूम में हमने एक यहाँ पे एक यहाँ पे जो है ना रिसर्कुलेटिंग एयर हैंडलिंग यूनिट लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं जैसे एक बिल्डिंग के अंदर, कि यहाँ से जो एयर आ रही है इसके अंदर उसको फिर हम भेज के रिसर्कुलेट कर सकते हैं। और एक यहाँ पे मेकअप के लिए हम बिल्डिंग के ऊपर एक मेकअप एयर हैंडलिंग यूनिट लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि हमको रिसर्कुलेट करना ही नहीं है, 100% मेकअप हम रखते हैं। ये कब होता है कि जब हमारी फेवरेबल कंडीशंस कहती है, जैसे आउटसाइड का अब बेंगलोर में ऐसा मान लो कि डिज़ाइन करना है हमको, बेंगलोर का जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ही मस्त होता है। अब हमें कश्मीर में डिज़ाइन करना है, ठीक है, क्लीन रूम, तो कश्मीर की एयर को हम ट्रीट क्यों करें, मतलब ज़्यादा अच्छा है, टेम्परेचर सही है उसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें जानना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से हम एक ही बार लेते हैं, 100% मेकअप ही ले लेते हैं, 100% हमें रिसर्कुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी के क्लीन रूम को वंस थ्रू सिस्टम कहते हैं। तो ये एक तरह का रिसर्कुलेटिंग। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, अब वंस थ्रू एयर सिस्टम में क्या है कि प्लेनम अंडर राइज फ्लोर, ठीक है, ये प्लेनम अंडर राइज फ्लोर है जहाँ से हमारी गंदगी निकाल रही है, ठीक है, वहाँ से हम एग्जॉस्ट लगा के बाहर फेंक देते हैं। यहाँ से आउटसाइड से एयर लिया, जिसको हम बताएं कि दो तरह का, यहाँ का अगर हम एक और इक्विपमेंट लगा देंगे तो इसका नाम हो जाता है रिसर्कुलेटिंग, RAH होता है, जो यहाँ पे यूज़ नहीं करना मुझे। अब प्लेनम अंडर राइस फ्लोर है, यहाँ से गंदगी उठानी है हमारे, और ये देख रहे हो 100 क्लीन रूम है जहाँ पे हीपा फिल्टर हम 100% लगाए हैं, ज़मीन से गंदगी उठानी है, केस के अंदर उठा के हम बाहर फेंक देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ से 100% हमने वाटर लाया, यहाँ पे हीपा फिल्टर लगाया और यहाँ से पूरा का पूरा फेंक दिया बाहर, इसमें कोई रिसर्कुलेटिंग नहीं। अब देखो यहाँ पे आ गया रिसर्कुलेशन एयर सिस्टम के टाइप में क्या करते हैं कि इसके अंदर मोस्ट पॉपुलर डिज़ाइन है यहाँ पे। रीज़न क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिक है, साइज़ एनर्जी कंजर्वेशन से। इसमें क्या करते हैं कि फ़िल्टर एयर जो रूम में है, जो एग्जिस्ट है प्लेनम वॉल से, उसको रिसर्कुलेट कर देते हैं। इसके अंदर प्लेनम जो यूज़ करते हैं वो सील टाइप होता है, मोटराइज फैन लगा देते हैं हीपा फिल्टर में। टू फंडामेंटल रिसर्कुलेटिंग सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज रिसर्कुलेशन एयर जो होता है, एक सेंट्रलाइज रिसर्कुलेशनिंग एयर हैंडलिंग होती है RAH, जो मैंने पुरानी वीडियो में दिखा रखा है, और सीलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एयर फिल्टर जिसमें FFU, जैसे FCU यूज़ करते हैं उसी तरह से FFU भी होता है। सिलेक्शन ऑफ द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह के होते हैं वो बिल्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन से, इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। इसके अंदर हम सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है कि कस्टम रूफ टॉप पैकेज एयर हैंडलिंग यूनिट। अब रूफ टॉप पैकेज में क्या है, पैकेज एयर कंडीशनिंग का मुझे लगता है कि एक वीडियो बनाना पड़ेगा, पर वही है कि थोड़ा सा देखते हैं। उसके अंदर क्या है कि मेकअप हेयर को जो सप्लाई करते हैं प्री फिल्टर्स जो है वो प्रेशराइज
उसकी जो ट्रीटेड है बोथ सेंसिबल एंड लेटेंट हीट लोड को हम आउटसाइड जो एयर को जो फोर्स प्रेशराइज प्लेनम में डाल रहे हैं, ठीक है, सॉरी, तो प्रेशराइज जो प्लेनम है, सीलिंग्स जो प्रोवाइड हो रही है यहाँ पे, हीपा फिल्टर जो लगा हुआ डिस्ट्रीब्यूशंस करने के लिए यूनिडायरेक्शनल पाथ को, तो उसको सिस्टमेटिक रूप से स्टैंडर्ड जो क्लासरूम का जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको उसके हिसाब से कि एक्सियल फैन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रेशराइज प्लेनम में। एक्सियल फैन क्या होता है अब थोड़ा सा देख लीजिए, रिसर्कुलेटिंग में क्या करना पड़ता है अब देख लीजिए आप, यहाँ से मेकअप दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जहाँ आउटसाइड था ये वाला, इसको पलट के मैंने इसी में लगा दिया। ये भी क्या है 100% केस है, यहाँ आउटसाइड की जगह मैंने इसको फिर से प्लेनम अंडर राइज फ्लोर है, तो ये देख लिया आपने, इसमें कुछ करना नहीं है। तो ये समझ में आ गया आपको, नहीं समझ में आया तो फिर अब मैं क्या बताऊँ, इसमें कुछ करना ही नहीं है, पहले मैं दिखा रखा हूँ। सो यहाँ पे क्या है कि वेरिएशन जो रिसर्कुलेशंस का वो पॉसिबल जो अरेंजमेंट है, जो रिसर्कुलेट एयर का नॉट फर्दर ट्रीटेड, वहाँ पे जो रिसर्कुलेट को फर्दर ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंडीशन है वो टेम्परेचर ह्यूमिड डस्ट, सिंपली लार्ज वॉल्यूम जो इंडोर का एयर है उसको रिसर्कुलेट कर देते हैं, एक्सियल फैन लगा देते हैं। अब एक्सियल फैन कैसा होता है फ्रेंड, मैंने एक वीडियो में बताया है डक्टिंग वाले में, उसमें जाके देखिएगा हीपा फिल्टर में। अब क्या है कि जो इंडोर प्रोसेस है वो क्या होता है कि डस्ट जो टेम्परेचर की जो राइज हो रहा है, वो जो रिसर्कुलेट जो कर रहे हैं हमारा उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फैन लगा देते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फैन का कॉन्सेप्ट है कि प्रेशर क्रिएट करने के लिए हमेशा कहीं पर भी सेंट्रीफ्यूगल चीज़ लगाते हैं, जिस तरह की अगर हम HU जो लगाते हैं, HU और कंडेंसर के बीच में जो हमारा लिंकेज बनता है सेंट्रल एयर कंडीशंस में, तो जो कंडेंसर से ठंडा पानी HU में जाता है ना, तो उसके अंदर भी हम पहले यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा देते हैं। एडिशनल प्रोविजंस जो सेंसिबल, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं उस, अब यहाँ पे क्या है कि बोथ जो वेन एक्सियल फैन है सेंट्रीफ्यूगल फैन है, दो चीज़ें हैं, एक वैन है और एक एक्सियल है। एक्सियल जो होता है मतलब कि जो आपका पंखा की तरह जो होता है ना, वो उसको एक्सियल कहते हैं। तो वैन एक्सियल फैन ऑफर करते हैं, इसमें डिज़ाइनिंग में बता रहा हूँ, इसका जो ऑफर करते हैं एडवांटेज क्या है कि ये मूव करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर अगेंस्ट कंपेरेटिव लो स्टेटिक प्रेशर्स। यहाँ पे अगर मान लो कि स्टेटिक प्रेशर्स कम भी है, उसको हम ज़्यादा वॉल्यूम को हम भेज सकते हैं। तो सेट होता है कंडीशंस अंडर द एनी क्लीन रूम, रिसर्कुलेशंस होता है, फैन के ऑपरेट करते हैं, वेंस जो एक्सियल फैन है रिलेटिव कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, और फेयरली ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। और इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है कि ये लार्ज पार्ट जो टोटल प्रेशर जनरेट होता है वेलोसिटी का, वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट सिलेक्शंस ऑफ द फैन में थोड़ा वेरी होता है क्योंकि इसमें नॉइस होता है और साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। इसको थोड़ा सा और भी देखेंगे, जो सेंट्रीफ्यूगल फैन जो है वो डेवलप किया गया है कि स्टैटिक प्रेशर्स को मेंटेन करने के लिए, और मूव करता है एयर को वेरियस कंपोनेंट में, रिसर्कुलेट में यूज़ करता है, टोटल एयर फ्लो को इंक्रीज कर देता है। फ़ैन का साइज़, फ़ैन का कॉस्ट, अमाउंट जनरेट जो फैंस के होते हैं वो मल्टीपुलर स्मॉल हैंडलिंग यूनिट के डिपेंड में होते हैं। और सीलिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ़ैन यूनिट जो लगाते हैं उसमें सीलिंग डिस्ट्रीब्यूट में, अब सीलिंग में जो फ़ैन यूनिट का जो कंसिस्टेंट होता है वो सेंट्रीफ्यूगल प्लग्ड फैन ड्रिवन होता है, जिसके अंदर हम हाउस पावर जो मोटर का है वो कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हीपा उल्टा फिल्टर के क्लोज बॉक्स में हम कॉमन क्लीन रूम में ग्रिड में, जो अब ये ग्रिड क्या है, वहाँ पे जो 2x2 का एक ग्रिड लगता है ना ऊपर में, वो चीज़ है, पुरानी वीडियो में देखोगे आपको मैं बता रखा हूँ। द एयर जो सप्लाई है रूम में जो टर्मिनल से हो रही है, कहाँ चला गया यार, ओके, तो जो एयर सप्लाई करते हैं रूम के वायर टर्मिनल फैंस की यूजिंग द स्पाइडर लेग डक्टिंग। अब इसमें क्या है कि जो स्पाइडर डक्टिंग है कनेक्ट कर लेते हैं, कि किस तरह से करते हैं वो थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको। तो दिस इज़ जनरली नॉट यूज टू प्रेशराइज द प्लेनम अगेंस्ट द, अब देख लीजिए,
अब देखिए ये हीपा फिल्टर है ना, और उसके ऊपर हमने डक्ट कनेक्टेड विद फैन फिल्टर इनलेट को, यहाँ पे कैबिनेट है, ठीक है, स्पीड कंट्रोल है, फैन व्हील एंड मोटर है, ठीक है, तो जस्ट इसके ऊपर हम इनबिल्ड कर देते हैं, फैन यूनिट फिल्टर ऐसा होता है, समझ में आया आपको। अब द एफएफ सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए हमें ये एफएफयू है। अब डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं ये जान लेते हैं। डक सिस्टम डिज़ाइन तो मैं बाद ही में पढ़ाऊँगा, ये आगे पढ़ाऊँ क्या, चलो मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ा देता हूँ। अब स्मॉल फोर्स जो होता है एयर के थ्रू फिल्टर होता है, इसके अंदर जो एडवांटेज स्पीड का जो है हमारा, कि जो फुल स्पीड जो कंजप्शन है वो 90-150 से लेकर 250 वाट तक ही आता है, कि ये न्यू इंस्टॉलेशन होती हैं। अब इसमें क्या आता है, मेन एडवांटेज ये है कि सिंप्लिसिटी है, इसमें क्या होता है वेरी पॉपुलर है कि मिनी एनवायरनमेंट, जो छोटा इन्वायरमेंट जो क्लीन रूम में उसमें हम यूज़ कर लेते हैं। इसमें क्या है कि सीलिंग्स में ही लगा देते हैं, स्पेस कम लगता है इसके अंदर, फ्लो रेट सही रहता है, डिपेंड जितना हमें चाहिए उसके हिसाब से मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सही होता है। इसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव तो है लेकिन ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि फ़ैन फिल्टर का रिक्वायरमेंट किस तरह से, टोटल कॉस्ट जो है सेंट्रलाइज जो RH के सिस्टम के लगभग होता है। इसमें क्या है कि जो फैन फिल्टर का रिक्वायर्ड होता है लार्ज एयर पैसेज में होता है, कि रिड्यूस कर सकते हैं हम प्रेशर्स लॉस होने से, ठीक है, इंक्रीज़ कर सकते हैं ओवरऑल बिल्डिंग का जो कितना उसकी चौड़ाई और उसकी हाइट है। तो FFU का जो गैस्केट है सीलिंग में, उसको जनरली प्रेशराइज सप्लाई प्लेनम से ही हम अटैच करके रखते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कॉस्ट हाइयर है फैंस की, क्योंकि मोटर इसमें यूज़ होता है, मच स्मॉलर, देर इज़ अ मोर देन एंड द ऑटोमेशन कॉस्ट जो हाइयर फॉर द यूनिट होते हैं ड्यू टू द लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फैंस। अब यहाँ पे सीलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डू नॉट डिवलप मोर एस्टेटिक प्रेशर, यहाँ पे एस्टेटिक प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं क्रिएट कर पाती है, जो बूस्टर होता है कंजक्शंस लगाए जाते हैं। द सिस्टम डज नॉट लेंड टू सेल्फ डबल हिपा फिल्टर। अब यहाँ पे जो नॉइस लेवल है वो थोड़ा सा डिफर कर जाता है, 53 जो डिसमल है उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, कि मल्टीपल फैक्टर फैंस को यूज़ करते हैं जिसमें नॉइस लेवल का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल फैन को नेसेसरी होती है हमारी, कि इसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, चेक स्टेटस कर सकते हैं, मोटर कर सकते हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, दो वीडियो अभी तक मैं बना दिया हूँ, एक बार आप स्लाइड्स को रोक के, मेरे ख्याल से नज़र तो आता ही होगा, स्लाइड्स को रोक के साफ क्लियर ही नज़र आता होगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं इतना, एयर डक्ट सिस्टम डिज़ाइन कंस्ट्रक्शंस को मैं बाद में पढ़ाऊँगा, लगभग कल ही पढ़ाऊँगा, और पहले मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। एक बार ख़त्म हो जाएगा तो थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लगेगा, और लिटरली मुझे डक्ट डिज़ाइन पढ़ाने में तो और भी मज़ा आता। फ़िलहाल के लिए आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका पूरा सीक्वेंस देख लीजिएगा। तब तक अपने ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।